Hello students, welcome to Grasping Chemistry. Today we are going to discuss some more important previous year questions which are related to the topic benzyne, in which there will be a formation of an intermediate which is benzyne. First of all, we will discuss the concept of the topic, and after that we will going to discuss some questions, and also out of them some are previous year questions. बेंजाइन मैकेनिज्म का टॉपिक जो पार्ट है वो है हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का. अब हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन व्हेन सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट एनी एरोमेटिक रिंग एंड दैट सब्स्टिट्यूशन इज ऑफ न्यूक्लियोफाइल. जब कोई न्यूक्लियोफाइल की आके क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए. बट क्या होता है कि जो रिंग है हमारी, एरोमेटिक रिंग होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन भी प्रेजेंट है और बिलो द प्लेन भी प्रेजेंट है. तो ड्यू टू दिस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट एबल टू अप्रोच दिस रिंग, बट एट हाई टेम्परेचर और यू कैन से दैट इन हार्श कंडीशंस इट कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हेन दिस हेलोबेंजीन अंडरगो रिएक्शन विद नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड, this halobenzene when undergo reaction with NaOH, then no reaction take place. But at a high temperature or when halobenzene and sodium hydroxide are fused together at high temperature, there will be a formation of our nucleophilic substituted product on the at the aromatic ring. When this halobenzene undergo reaction with soda amide, this reaction take place at low temperature. We don't need any kind of harsh conditions so that this for this reaction. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बीच में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, जो कि कौन सा इंटरमीडिएट है? बेंजाइन. ओके, तो जो ये रिएक्शन है ये होती है थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म. अब कंडीशन क्या है बेंजाइन मैकेनिज्म के होने की? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बेंजाइन मैकेनिज्म की? कि गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या है? कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवानी है. सो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडा अमाइड, लिथियम NH2, NaNH2, LiNH2. देखिए, जो ये और हम यूज़ कर सकते हैं साथ में, ये फोर बेसिस जो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये सभी दे स्ट्रॉन्ग बेस आर नोन एज सुपर बेसिक मिक्सचर. दे आर ऑल्सो यूज, दे आर मोस्टली यूज इन द बेंजाइन फॉर्मेशन. फर्स्ट क्या है? टर्शी ब्यूटोक्साइड विथ टर्शी ब्यूटाइल लिथियम. नेक्स्ट है एन ब्यूटोक्साइड विथ एन ब्यूटाइल लिथियम. सेकेंडरी ब्यूटोक्साइड विथ सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम. नेक्स्ट इज मिथाइल लिथियम विथ सोडियम मिथोक्साइड. इनका कॉम्बिनेशन जब हम यूज़ करते हैं आपस में टर्शी ब्यूटोक्साइड का टर्शी ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो इसको सुपर बेसिक मिक्सचर में काउंट करते हैं इनको, और इनको जनरली यूज़ किया जाता है बेंजाइन के बेंजाइन इंटरमीडिएट को बनाने के लिए. अब हम इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है और इंटरमीडिएट जो बेंजाइन है वो किस तरीके से बन रहा है. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जो रिएक्शन होती है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है? हेलोबेंजीन के अंदर वी आर एडिंग NaNH2. देखिए NaNH2 क्या है? एक बेस है. तो यहाँ से हमें एक क्ल्यू मिल रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप होगा डेट विल बी द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. एब्स्ट्रैक्शन होगी किसकी? हाइड्रोजन की, जो कि इसके नेक्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट होगा. जहाँ पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसके नेक्स्ट कार्बन पर, बिकॉज लिविंग ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से जो ये हाइड्रोजन और किस कार्बन का बॉन्ड होगा वो वीक हो चुका होगा. तो इसने वैसे तो इसने क्या किया? NaNH2 ने इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया. कैसे किया? NH2 नेगेटिव इस हाइड्रोजन पर गया और यहाँ पर इसने क्या बना दिया? अपना नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये ब्रोमीन एज अ गुड लिविंग ग्रुप
बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए, नॉर्मली हमने जो एल्काइन बॉन्ड पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो पढ़ते हैं, उसके अंदर ऐसे होता है वो बॉन्ड, ठीक है। बट ये वाला ट्रिपल बॉन्ड इस वाले ट्रिपल बॉन्ड से डिफरेंट होता है, बिकॉज इन दिस ट्रिपल बॉन्ड देयर आर वन सिंगल बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड प्रेजेंट, बट इन दिस इसमें, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, और जो वो पाई बॉन्ड बने हुए हैं वो पी और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने हुए हैं, है ना। जैसे जो दो पी ऑर्बिटल हैं, इनकी ओवरलैपिंग से ये और ऑर्बिटल की क्या हो रही हुई है, फॉर्मेशन हुई है। बट इसके अंदर कैसे है, देखिए, जो बेंजाइन है इसके अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड है, जो दूसरा पाई बॉन्ड है जो अंदर की साइड पर प्रेजेंट है वो नॉर्मल पाई बॉन्ड है, और जो बाहर की साइड प्रेजेंट है वो एबनॉर्मल पाई बॉन्ड है। जो नॉर्मल पाई बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन तो हो रही है पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, जो कि इनसाइड द रिंग प्रेजेंट है। बट जो बाहर प्रेजेंट है एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, इसकी फॉर्मेशन हो रही है 2sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। 2sp2 ऑर्बिटल कहाँ से आए, अब देखिए, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके ऊपर क्या हुआ होगा, देखिए sp2 ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट होंगे, ये कार्बन है, इसके ऊपर sp2 ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट। मैं सिर्फ इस कार्बन की और इस कार्बन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, इस sp2 के अलावा इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, बिकॉज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कैसे कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो sp2 के अंदर 2 चले गए और एक हमारा बच गया, तो इस p की ओवरलैपिंग जब इस पी के साथ हुई तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, है? जब हमारे पास एक sp2 ऑर्बिटल ये है और एक sp2 ऑर्बिटल ये है, तो जब ओवरलैपिंग इन दोनों की हुई तो हमारे पास एबनॉर्मल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिससे हमारे पास बेंजाइन बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेंजाइन तो बन गया, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, तो NH2 नेगेटिव है, क्या किया, बेंजाइन के ऊपर अटैक किया, बेंजाइन के कार्बन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, यहाँ, क्योंकि देखिए अब इसके अंदर कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, सिग्मा बॉन्ड तो शिफ्ट नहीं होगा, अंदर वाला पाई बॉन्ड भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जो एबनॉर्मल पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है और अनस्टेबल होता है बेंजाइन, तो इस वजह से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो वो हमारे एबनॉर्मल पाई बॉन्ड की होती है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, जो हमने सॉल्वेंट लिया था अमोनिया, उधर से इसको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन, और ये NH2 निकल जाता है और यहाँ पे H आके लग जाता है। अब हमारे पास देखिए, जो ये बेंजाइन मैकेनिज्म है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन हो रही है हाइड्रोजन की, हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन है और सेकेंड स्टेप में वी आर एडिंग अवर न्यूक्लियोफाइल। दैट्स वाई बेंजाइन मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप इज फॉलोड बाय द एडिशन रिएक्शन इन द सेकेंड स्टेप। अब जो बात है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, हमें जो हेल्प करेगी हमारे क्वेश्चन करते वक्त CSIR नेट के, वो ये है कि जो रेडियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनता है हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू, वो हमेशा डिपेंड करता है कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी के ऊपर। कौन सा कार्बो एनायन, जो हमारा ये सेकेंड स्टेप में बना है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा क्या, रेडियो सिलेक्टिविटी। अब रेडियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, देखिए रेडियो सिलेक्टिविटी का मतलब है कि किस पोजीशन पर, क्या मतलब है इसका, कि किस पोजीशन पर वेयर आवर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, ठीक है। रेडियो का मतलब होता है कि कहाँ पर, किस पोजीशन पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये कंसेप्ट जो है आपका इजी हो जाएगा। अब हम अपने एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्या है हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हमारा बेंजीन के ऊपर एक OMe ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है और उसके ऑर्थो पोजीशन पर आयोडीन है। आयोडीन कैसा है हमारा, गुड लिविंग ग्रुप। प्रेजेंट क्या है रिएजेंट, सोडामाइड विद अमोनिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट एट नेक्स्ट कार्बन टू द अवर गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे OMe, ठीक है। अब पॉइंट जो आता है हमारा, बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव इधर और आयोडीन बाहर आ जाएगा, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे हमारे बेंजाइन इंटरमीडिएट की। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल NH2
नेगेटिव। अब पॉइंट आता है जो रीजियो सिलेक्टिविटी का पॉइंट है, अब आपको वो क्लियर होगा। रीजियो मतलब मैंने क्या बोला, किस पोजीशन पर हमारा बेंजाइन अटैक करेगा। तो NH2 नेगेटिव है, देखिए ये NH2 नेगेटिव इस पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पर, ठीक है, और NH2 नेगेटिव ही अटैक कर सकता है इस कार्बन पर भी, ठीक है। तो हम इसको ए पाथवे ले लेते हैं और इसको बी पाथवे। अगर हम ए पाथवे से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर अटैक करेगा, NH2 यहाँ पर आएगा, OMB तो यहाँ पर है ही। देखिए जो ये बॉन्ड होगा ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये तो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पर क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम B पाथवे से रिएक्शन करते हैं तो B पाथवे से जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अटैक कहाँ पर हो रहा है, इस कार्बन पर, तो क्या बन गया NH2। इलेक्ट्रॉन्स मूव किस कार्बन पर होंगे, नेक्स्ट कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको अभी बोला कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, मेजर प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगी हमारे कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी पर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा कार्बोएनायन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो देखिए अगर नेगेटिव चार्ज मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट क्या है मेरा यहाँ पे, OMe कैसा ग्रुप होता है, मॉडरेटली माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू इंडक्टिव। अगर कोई ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है वो भी माइनस आई, तो जितना उसके पास होगा हमारा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जितना दूर होगा उतना ही कम स्टेबलाइज होगा। डेट मीन्स अवर दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, सो अवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म थ्रू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट विच सॉरी मोर स्टेबल कार्बोएनायन इंटरमीडिएट। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा OMe और इस नेगेटिव को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से और NH2। तो ये क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अब एग्जाम्पल नंबर टू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है हमारा। तो कैसे करेंगे अब हम इसको, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, NaNH2। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी लिविंग ग्रुप के साइड से। तो लिविंग ग्रुप के साइड में एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है। देखिए दोनों हाइड्रोजन क्या है, इक्यू के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो क्या है, सिमेट्री है। तो हम कहीं से मर्जी एब्स्ट्रैक्ट कर लें, तो लेट्स से हमने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अवर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है हमारा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक हो सकता है, इस पोजीशन पर भी अटैक हो सकता है और अगर दूसरी साइड करें तो इस पोजीशन पर भी अटैक हो सकता है। मतलब एक बार इसके पैरा पर अटैक हो रहा है और एक बार इसके मेटा पर अटैक हो रहा है। तो जब हमारा पैरा पोजीशन पर अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, तो NH2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, मिथाइल इस पोजीशन पर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या किया हमने, जब इसके मेटा पर अटैक हुआ तो इस पोजीशन पर अटैक हो रहा है हमारा NH2 और इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। वही अगेन हमने क्या देखना है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। अब ये देखिए CH3 कैसा ग्रुप है, इंडक्टिव मतलब कि प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो 1-2 कार्बन तक ही ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है, उसके आगे उसका इफेक्ट क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो कम होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है अपना इफेक्ट इतना स्ट्रांगली शो नहीं करता। तो इस वजह से जो थर्ड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इक्वली स्टेबल है फोर्थ पोजीशन के नेगेटिव चार्ज से। तो क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वली स्टेबल है, तो दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए वो 50:50 में प्रेजेंट होगा। जैसे ये हमारा दोनों मिक्सचर आएंगे प्रोडक्ट में जो कि 50:50 में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पैरा ब्रोमो फिनोल, जिसको हम ट्रीट करा रहे हैं सोडामाइड के साथ। क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन, OH एज इट इज, चाहे इस साइड से हो हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन चाहे इस साइड से, दोनों क्या है, सिमेट्रिकल इक्विवेलेंट है सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से। अब हमारे पास बात आती है NH2 नेगेटिव का अटैक, ये तो हमारा चला गया।
NH2 नेगेटिव। अब आता है NH2 नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर या इस कार्बन पर। तो देखिए NH2 नेगेटिव का अटैक, जैसे एक बार इसने अटैक किया OH के पैरा पोजिशन पर और नेगेटिव चार्ज चला गया हमारा मेटा पर, और नेक्स्ट टाइम जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा, वो बनेगा जब इसने अटैक किया मेटा पोजिशन पर और हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया हमारा पैरा पोजिशन पर। अब देखिए हमने क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कौन सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। तो कैसे पता चलेगा हमें, जो हमारा ग्रुप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है OH, OH कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और एक और बात देखिए, सोडामाइड क्या था, बेस है, तो क्या OH का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कर सकता है, तो ये क्या करेगा OH के हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो O नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू अपना मतलब कि रेजोनेंस के थ्रू ये इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम डिसाइड करेंगे। तो अगर ये रेजोनेंस के थ्रू आएगा तो कौन से वाले नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करेगा, पैरा वाले को ना कि मेटा वाले को। तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी OH इधर NH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। अब पॉइंट क्या आता है, एक बार तो हमारा OH है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक बार हमने पीछे डिस्कस किया वो CH3 था, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, बट CH3 किसके थ्रू कर रहा था, इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था। OH रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है, तो इंडक्टिव के थ्रू जब हमारे पास पैरा पोजीशन पर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होगी जैसे लिविंग ग्रुप की कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मिक्सचर बनता है 50:50 का। बट जब रेजोनेंस के थ्रू हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमारा ओनली मेटा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है पैरा वाला वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर मेटा क्लोरो एनिजोल को ट्रीट करवा रहे हैं विद सोडामाइड, तो NH2 नेगेटिव का अटैक होगा। देखो अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। अब इसके अंदर तो कोई ऐसा सिमेट्रिकल है नहीं, क्योंकि ये अगर हम बात करें ये हाइड्रोजन OCH3 के ऑर्थो पोजीशन पर है, तो वहाँ वहीं पर ही ये जो हाइड्रोजन है ये इस OCH3 के मेटा पोजीशन पर है। तो अब हमारे पास ऑलवेज अब हमारे पास क्या होगा, वो वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा जौन सा ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो हमारे पास जो ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और पैरा वाला लेस एसिडिक है और ये वाला मोर एसिडिक है। देखिए अब कैसे पता चला कि ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, देखिए एसिडिक हाइड्रोजन हम बोलते हैं जब हमारे पास कार्बोनिल से नेक्स्ट पर लगा हो, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज कार्बोनिल क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या कर रहा है, इस कार्बन और जो हाइड्रोजन है उसके बॉन्ड को वीक कर रहा है। तो वहीं पर यहाँ पर भी क्या है, ओ सी एच थ्री है, चाहे ये माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है बट कर तो रहा है, और ऊपर से माइनस आई इफेक्ट के थ्रू करने की वजह से इसका इफेक्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पर वीक होगा, तो इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है और ये वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक है। तो जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है ये उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास कुछ इस तरीके से बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी OCH3। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वही NH2 नेगेटिव का अटैक, कहाँ पर अटैक करेगा, दोनों साइड दोनों कार्बन पर करके देखेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे, और जिस जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक बार NH2 यहाँ, नेगेटिव यहाँ, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया हमने, OCH3 NH2 इस पोजीशन पे और नेगेटिव इस पोजीशन पे। अब देखिए OCH3 वही बात, OCH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितना इसके पास होगा नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल होगा, जितना इसके दूर होगा नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, बिकॉज OCH3 माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मॉडरेट माइनस आई इफेक्ट, डेट मीन्स जितना पास है वो मोर स्टेबल, और हमारे पास जब प्रोडक्ट बनेगा वो इसी के थ्रू बनेगा, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो डेट मीन्स अवर मेटा प्रोडक्ट इज मेजर इन दिस। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये कौन सा है, ऑर्थोक्लोरोटोलिन का, इसको हमें ट्रीट कराना है विद सुपर बेसिंग मिक्सचर जो कि है टर्शी ब्यूटोक्साइड और टर्शी ब्यूटाइल लिथियम का मिक्सचर है। तो हमने क्या करेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो वहीं से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और हमारे पास हमारे बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए अब इसके अंदर जैसे हम पिछली रिएक्शंस में करते आए हैं, तो उसके अंदर NH2 नेगेटिव ही एज अ न्यूक्लियो काम कर रहा था और NH2 ही सोडा अमाइड ही एज अ बेस काम कर रहा था,
क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक बेस था. बट ये कैसा बेस है? ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक नहीं करेगा. तो इसीलिए सेकंड पॉइंट में हमें गिवन है न्यूक्लियोफाइल. कैसे गिवन है ये न्यूक्लियोफाइल? देखिए CH3COOET, देखिए ये रिएक्शन है CH3COOET को हमने ट्रीट कराया हुआ विद बेस. बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट. तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा है हमारा? एसिडिक है. तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH2COOET की. तो अब हमारे पास जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक होगा अब, क्योंकि हमारे पास जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस प्रेजेंट होने की वजह से सेकंड पॉइंट में हमें न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा. तो हमने ये न्यूक्लियोफाइल बनाया यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा? देखिए अब यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है. तो हम दो प्रोडक्ट बना लेते हैं, दो इंटरमीडिएट बना लेते हैं. ME, एक बार CH2COOET ऑर्थो पोजीशन पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और सेकेंड टाइम ME CH2COOET यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. अब हमने वही रेडियो सेलेक्टिविटी डिसाइड करनी है कि कौन से वाला हमारा करेक्ट है अटैक. तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से. देखिए ME कैसा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस साइन इफेक्ट शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है. अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, स्टेबल तो नहीं होगी. तो इस वजह से ये हमारा कैसा है? लेस स्टेबल है, और ये हमारा मोर स्टेबल है. तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो हमारे इस इंटरमीडिएट के थ्रू होगी. कैसे? ME CH2COOET और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा हाइड्रोजन. तो हमारे पास हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बना? ये बना. ठीक है, ये था हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म का टॉपिक. आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो नॉलेजेबल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.